नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने प्रारंभ की यूपीआई सुविधा। खाता धारकों को इस सुविधा से मिलेगा घर बैठे लाभ। बरसात में नहीं होगी पेयजल को लेकर असुविधा। निगम आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश। ऑल इंडिया ट्रॉफी फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट का हुआ समापन। बिहार के कुमार गौरव बने ग्रैंड मास्टर। मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल ने भिलाई चिरोदा निगम क्षेत्र में सड़क डामरीकरण का किया भूमि पूजन। महापौर को दिए गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराने के निर्देश। और जांजगीर जिले के एक बोरवेल में गिरे 12 वर्षीय बच्चे राहुल को सकुशल बाहर निकालने वाली टीम का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे 12 साल के मासूम राहुल साहू को 100 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद सकुशल निकाल लिया गया। देश में अपने तरीके के इस सबसे लंबे समय तक चले बचाव अभियान को अंजाम देने वाली टीम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों से बचाव अभियान की पल पल की जानकारी को साझा किया। अभी आपने बहुत विस्तार से कलेक्टर जितेंद्र शुक्ल जी का, आईजी, एसपी और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसीसीएल, सेना और गांव के लोग, जिन लोगों ने सहयोग दिया, सबके आपने अनुभव आपने सुना है। बहुत बड़ा ऑपरेशन मैं समझता हूं देश का, ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 104 घंटे का। चुनौती बहुत बड़ी थी लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपको उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब बारिश हुई। यदि उस समय बारिश होती तब क्या होता, एक और कठिन। लेकिन तब भी हमारे रेस्क्यू टीम के साथी के हौसले कम नहीं थे। क्या आपके ऑपरेशन में परेशानी नहीं आई? पहली बात यह है कि बच्चा यदि सीधा गिरा और कीचड़ था, इस कारण से ज्यादा चोटिल नहीं हुआ। जो केवल उसकी जो स्किन है वही छिला उसका। यदि सूखा रहता तो हो सकता था हड्डी पसली टूट जाता। यदि सिर के बल गिरता तो जान भी जा सकती थी। लेकिन ऊपर वाले हमेशा इस पूरे घटना में उनका आशीर्वाद रहा। सीधा गिरा, लेटा रहा। दूसरी बात, सारे टीम जो जो एक्सपर्ट थे, जिसकी जिसकी आवश्यकता थी, सबको जितेंद्र शुक्ल जी ने, एसपी ने, आईजी ने और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, डीजी साहब, सारे अधिकारी
कहीं पर भी न रेस्क्यू टीम को न हम लोगों को लगा कि यहां पे परेशानी आ रही, ये सहयोग नहीं कर रहा है। जहां जहां आवश्यकता पड़ी वो सारे लोग उपस्थित होते गए, वो सारी मशीनें हमको उपलब्ध होते गए और चट्टान भी आया तो उसको हटाने के लिए उसे काटने की भी व्यवस्था कर ली गई। ये सब आप सब के सूझबूझ, हौसला, आपकी मेहनत, लगन और सबसे बड़ी बात लोगों की दुआएं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी दो मिनट का हमने क्लिप देखा, वीडियो क्लिप देखा, बहुत सारे वीडियो क्लिप हमारे जनसंपर्क विभाग के पास होगा, हमारे मीडिया के साथी भी, बहुत सारे मीडिया साथी वहां पांच पांच दिन तक रहे, दो चार लोगों उत्कल मैं बिलासपुर में सम्मानित किया, उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बहुत सारे साथी हैं जो वहां लगातार वो लोग भी जागते रहे, मीडिया के लोग भी, उनको भी मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। एक इस अभियान को सफल बनाया और इस अभियान ने एक बार पुनः साबित कर दिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम जिस तरह से इसके ट्यूबवेल गिरने की सूचना विजय ने मुझे दी, मैंने तुरंत डीजीपी साहब को अवगत कराया, मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ उनसे बात किया, डीजीपी सर ने तुरंत बोला कि मैं डीजी एनडीआरएफ से बात कर रहा हूं और सभी चीज़ें व्यवस्थित हुआ। क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस था, 2009 में बालको में चिमनी गिरा था, तब मैं एसपी था वहाँ, जो लगभग 75 आवर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला था जिसमें 40 लोगों की डेथ हुई थी। तो मुझे पता था कि हमको ऐसे ऑपरेशंस में हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। कलेक्टर साहब से बात कर रहे थे, एसपी साहब से बात कर ही रहे थे। तो इस तरह का जो आपका एक अनुभव है वो जो है इस तरह के इश्यूज में काम आता है। सामान्य टर्म में सोचे तो ये एक ऐसा वाकया था सर जिसमें एक्शन भी था सर, थ्रिल भी था सर, फियर भी था सर, सस्पेंस भी था, मतलब तमाम चीज़ों का ऐसा एक वाकया बन गया था। मैं इसको सीक्वेंस पे सर थोड़ा थोड़ा आपको शेयर करना चाहूँगा। शाम को लगभग 4:50 में सर मेरे पास एडिशनल SP का फोन आता है कि इस तरह का वाकया हो गया है, एक बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया है। यह सुनते ही सर मैं पास के गाँव पर दौरे पर गया था, एक सिहरन से अचानक से डरी सर, क्योंकि मैंने प्रिंस वाला एपिसोड और तमाम चीज़ें पढ़ रखी थी। उसको पढ़ते ही सबसे पहले सर हमने ये तय किया कि जो सख्ती में हमारे जो ऑफिसर्स पोस्टेड थे, ADM थी, SDM वहाँ की, OSD, इन सबको मैंने कहा कि आप तत्काल वहाँ पे पहुँचे सर। और ये कहने के बाद में मैंने PHE विभाग के ई को कहा कि बोरवेल का प्रोफाइल जाकर आप चेक करके इमीडिएटली मुझे बताएं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के खाता धारकों के लिए बैंक द्वारा UPI की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसकी मदद से अब खाता धारक घर बैठे आसानी से इसका लाभ ले सकेंगे और काफी सारी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के खाता धारकों के लिए बैंक द्वारा UPI सुविधा प्रारंभ कर दी गई है, जिससे बैंक के लगभग 3.5 लाख बचत खाते धारकों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। साथ ही खाता धारकों को मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ UPI सुविधा मिलने से शाखा में आहरण के लिए लंबे इंतजार से बचत होगी। गौरतलब है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपेक्षा व्यास ने बताया कि खाता धारक अब अपने जिला सहकारी बैंक के अकाउंट से सीधे ऑनलाइन राशि ट्रांसफर के साथ साथ बिल भुगतान जैसे बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, डिश TV रिचार्ज, QR कोड स्कैन आदि महत्वपूर्ण कार्य अपने मोबाइल से कर सकेंगे। UPI की सुविधा प्रारंभ होने पर अध्यक्ष जवाहर वर्मा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपेक्षा व्यास ने दुर्ग बैंक के सभी खाता धारकों एवं किसानों को बधाइयां दी है एवं ग्राहकों को सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने आग्रह किया है। इस संबंध में न्यूज टीम को मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपेक्षा व्यास ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जिला सहकारी केंद्र बैंक मर्यादित दुर्ग के खाता धारकों का बैंक द्वारा UPI सुविधा प्रारंभ की गई है। हमारे बैंक में लगभग 3.5 लाख से ऊपर ग्राहक यहाँ पे संचालन किया जाता है।
खातेदारकों को मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ यूपीआई सुविधा मिलने से भी शाखा में आरण के लिए जो लंबा इंतजार किया जाना पड़ता था, किसानों को काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, ये सुविधा चंद मिनटों में ही किसान चाहे तो अपने मोबाइल बैंकिंग मोबाइल के माध्यम से भी पैसे की राशि का आरण कर सकता है, जिसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फ़ोनपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, अमेज़न पे के थ्रू, जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से भी राशि खाता ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसी प्रकार से कई बिल भुगतान भी किए जाने होते हैं, जैसे कि बिजली बिल है, मोबाइल रिचार्ज है, डिश टीवी रिचार्ज है, क्यूआर कोड स्कैन किया जाना है, इसके थ्रू भी बिल की राशि का भुगतान किया जा सकता है। और इसमें काफ़ी किसानों में ये आने के बाद काफ़ी हर्ष उन्होंने महसूस किया है और काफ़ी बधाइयाँ भी हमको प्राप्त हो रही हैं, ताकि क्योंकि किसानों को काफ़ी जो ये एक इंतज़ार था कि यूपीआई सुविधा भी जिला सहकारी केंद्र बैंक उपलब्ध कराए, जो उपलब्ध अब आज की डेट में हो चुका है, सुविधाएँ दी जा चुकी हैं। करीब 3.5 लाख ऊपर से हमारे जो खाते धारक हैं उनको ये सुविधा प्राप्त होगी। बहरहाल यूपीआई ऐप में एक या एक से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया जा सकेगा। इस सुविधा के माध्यम से किसान अपने बैंक खाते से किसी भी खाते में आसानी से घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई चिरोदा नगर निगम के गौरव पद से होकर पद्म नगर की ओर जाने वाली जर्जर सड़क का कायाकल्प होगा, इसके लिए मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर व महापौर निर्मल कोसरे सहित उनके एमआईसी सदस्य और पार्षद विशेष रूप से शामिल रहे। गौरतलब है कि 96 लाख रुपए की लागत से इस सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण ऐश्वर्या गैस से पद्म नगर तक स्थित श्रीराम सिटी तक होना है। नगर निगम महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में जन भावना के अनुरूप विकास की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बरसों से उपेक्षित गौरव पद से पद्म नगर को ऐश्वर्या गैस एजेंसी के पास से जोड़ने वाली सड़क के कायाकल्प करने भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। चैतन्य बघेल ने ओएसडी मनीष बंछोर व महापौर निर्मल कोसरे की मौजूदगी में 96 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन किया। उन्होंने महापौर निर्मल कोसरे से सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही। महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि पद्म नगर भिलाई चिरोदा निगम क्षेत्र की पौष कॉलोनी में शामिल है। इस कॉलोनी के लिए गौरव पद से पूर्व में बनी WBM सड़क बेहद खराब हो गई है, जिससे न केवल पद्म नगर बल्कि सड़क के दोनों ओर तेजी से विकसित हो रहे वसुंधरा नगर उत्तर कॉलोनी के लोगों की आवाजाही खतरों से खेलकर हो रही थी। खासकर बारिश के मौसम में लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में सीमेंट कॉन्क्रीट सड़क बन जाने लोगों को इस मार्ग से गुजरना काफी सुगम होगा। नगर निगम भिलाई चिरोदा के पद्म नगर वार्ड में वर्षों से लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए मांग किया जा रहा था। ऐश्वर्या गैस एजेंसी के पीछे का जो रोड गया है, पद्म नगर तक गया है, बहुत पहले से वहां पर लोगों की बसाहट रही है। जब विधानसभा चुनाव के समय और हमारे पार्षद चुनाव के समय माननीय हमारे मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी जब उस क्षेत्र में गए थे, लोगों ने उनसे एक मांग रखी थी कि उस रोड का निर्माण होना चाहिए। तो उसको मैंने प्रस्ताव बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि वो रोड काफ़ी जर्जर है और उस रोड को बनाया जाना चाहिए, ताकि मुख्य मार्ग से पद्म नगर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए राशि स्वीकृत की और 96 लाख रुपए की राशि से सीमेंटीकरण किया जाना है। 40 फीट रोड के लिए वहाँ पर चिन्हांकित किया गया है। 5 मीटर की रोड वहाँ पर बनाई जानी है। उसके बाद जैसे ही रोड का निर्माण होगा, अगल बगल में जगह छोड़ा गया है, फिर उसके बाद उसमें नाली का निर्माण किया जाएगा, जिसके भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 18 नवंबर को कर चुके थे, जिसका विधिवत रूप से कल नारियल फोड़ के माननीय चैतन्य बघेल जी के द्वारा उस कार्य की शुरुआत मेरी उपस्थिति में की गई। बहरहाल इस अवसर पर निगम के एमआईसी सदस्यों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता व निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। स्कूली विद्यार्थियों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त हो गई है और 16 जून गुरुवार से पुनः स्कूल प्रारंभ कर दिया गया है। सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया और बच्चों का स्कूल के प्रांगण में स्वागत किया गया। 11 जून को मॉनसून ने पूरे प्रदेश सहित भिलाई में भी दस्तक दी थी और यही दस्तक स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी होती है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां अब समाप्त हो गई हैं और पुनः अब स्कूल जाकर विद्या ज्ञान लेने का समय आ गया है। 16 जून दिन गुरुवार को सभी स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त हो गई
और स्कूल पुनः प्रारंभ कर दिए गए। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों का स्वागत किया गया और स्कूल प्रवेश उत्सव मनाया गया। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद विद्यार्थी भी पुनः स्कूल पहुंचकर काफी हर्षित नजर आए। स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती के समक्ष वंदना की और विद्या की देवी से विद्या दान मांगा। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने भी विद्यार्थियों के स्वागत के लिए भरपूर तैयारियां कर रखी थी। विद्यार्थियों के स्वागत के पश्चात विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठाकर स्कूल के नए सत्र को प्रारंभ कर दिया गया। बच्चों की उपस्थिति अच्छी है। करीब 70 बच्चे आए हैं आज। तो अटेंडेंस अच्छा है बच्चों को, बच्चे उत्सुक भी हैं, एक्साइटेड है, और टीचर्स और सब लोग भी उतने एक्साइटेड है बच्चों को यहाँ देख के। अच्छा, 42 बच्चों को, 6 बच्चे महतारी दुलार से हैं। तो सब कुछ फॉलो हो रहा है, जो भी नॉर्मल अपने वो रहते हैं ना, बच्चों को भी बताया गया है कि हाइजीन और मास्क लगाना है, हाइजीन से रिलेटेड जो भी है, इसके बारे में पूरा बच्चों को बताया गया। 16 जून से स्कूली विद्यार्थियों के नए सत्र प्रारंभ हो गए और स्कूल प्रबंधन ने अपने अपने स्तर पर पूरे सुरक्षात्मक तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं। साथ ही जिन बच्चों के कोविड टीकाकरण नहीं हुए हैं उनके परिजनों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजी स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, एमजी स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क यहाँ पर ही, टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्जाम प्रिपरेशन सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पर कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजी स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं। जी हां, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा गया नगर दुर्ग और श्री राम मार्केट स्पर्श हॉस्पिटल के पास रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ।
आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। अब नई साथ सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निःशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास, गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 777-300-777-111,
777-300-777-222। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बीएसपी के इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा मरोदा में अवैध रूप से निर्मित 3 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, साथ ही कुछ दुकानदारों को अवैध रूप से निर्मित दुकानों को हटाने नोटिस भी जारी किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा मरोदा बस्ती शिवपारा में अवैध कब्जेधारी द्वारा निर्मित 3 दुकानों को जेसीबी की सहायता से ढहा दिया गया। पूर्व में इस अवैध कब्जेधारी को नोटिस देकर काम बंद करवाया गया था, लेकिन कब्जेधारी द्वारा निर्माण कार्य को जारी रखा गया, जिसकी जानकारी भिलाई इस्पात संयंत्र के इन्फोर्समेंट विभाग को मिली, जिसके बाद जेसीबी से अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण और बीएसपी के मकानों में अवैध रूप से काबिज लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। गर्मी की छुट्टियों में स्कूली विद्यार्थियों को चुस्त दुरुस्त रखने शिवपुरी जामुल में एनी टाइम जूडो एकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ जूडो संघ की मदद से निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका समापन गुरुवार को हुआ। दुर्ग जिला जूडो संघ के तत्वाधान में एनी टाइम जूडो एकेडमी खेल परिसर नगर पालिक परिषद जामुल के द्वारा 1 मई से 15 जून तक निशुल्क जूडो एवं सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण शिविर प्रदेश के उत्कृष्ट जूडो प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में जामुल क्षेत्र के लगभग 150 नवोदित खिलाड़ियों को जूडो खेल के माध्यम से आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक ब्लैक बेल्ट शेख शरीफ, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी किरण शर्मा सहित लोकेश निर्मलकर, सुदर्शन निर्मलकर, मुर्तजा अली, दीपक कुमार ने प्रशिक्षण प्रदान किया। शिविर का समापन 15 जून को नगर पालिक परिषद के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर के मुख्य आतिथ्य एवं परिषद की उपाध्यक्ष सुनीता चन्नेवार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वार्ड 5 के पार्षद दीपक गुप्ता और वरिष्ठ समाज सेवी करीम खान भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत विधि अनुसार पुष्पहार से किया गया। तत्पश्चात इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों ने जूडो खेल के जरिए आत्मरक्षा के दाव पेचों को अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया। समापन समारोह के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए सम्मानीय अतिथियों द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले समस्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नगर पालिक परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर, वार्ड 5 के पार्षद दीपक गुप्ता ने जहाँ इस प्रशिक्षण शिविर को खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर बताया, तो वहीं जामुल क्षेत्र से जूडो खेल में पारंगत हुए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुर्तजा अली और दिव्या कुमारी ने अपने प्रशिक्षकों द्वारा बेहतर प्रशिक्षण देने की बातें कही गई। साथ ही एनी टाइम जूडो एकेडमी के कोच लोकेश निर्मलकर ने इस प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दी। मैं बोलना चाहूँगा, जामुल नगर पालिका और नगर के लिए इतनी बड़ी गौरव की बात है कि जूडो का जो प्रशिक्षण और ग्रीष्मकालीन जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये हमारे यहाँ के कोच खान साहब, लोकेश निर्मल भाई और इनकी पूरी टीम ने एक ऐसा प्रयास किया। चूँकि मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ राष्ट्रीय लेवल पर, और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जामुल के बच्चे, जो नए बच्चे, उनको एक बेस मिल रहा है स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाले समय में जामुल का नाम, और वर्तमान में अभी 1-2 महीना पहले यहाँ के 2 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाए हैं। एक है हमारे जामुल में, सबसे पहले तो ये जो खेल की शुरुआत हुई, मैं इस खेल की शुरुआत करने वाले कोच को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अथक प्रयास करके आज इतनी बड़ी टीम हमारे सामने खड़ा किया, इन बच्चों को सिखा कर और एक हमारे जामुल के नाम रोशन करने के लिए इन्होंने तैयार किया। इसके लिए वो जो कोच हैं, जो खिलाड़ी हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं। रही बात जामुल के नाम रोशन करने की, प्लस नगर पालिका के द्वारा सहयोग की,
तो निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों को मैं सभी को श्रेय देना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा अपने कोच को मैं श्रेय देना चाहूँगी और मैं जो मेरे साथ प्रैक्टिस किया तुमने भी श्रेय देना चाहूँगी और मेरे माता पिता को भी श्रेय देना चाहूँगी। उनके मेरी कोच की वजह से मैं इतना दूर मतलब गई और इतना अच्छा परफॉर्मेंस मैंने खेला। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने कोचेस को, अपने साथियों को, अपने माता पिता को। अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने में एक अपना अलग ही मतलब खुशी होती है, लगता है कि हाँ एक इंडिया प्लेयर बनना अच्छा लगता है। यस, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है और हम कोशिश रही कि सभी बच्चे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभी गेम खेलें, सभी लेवल खेलें। ठीक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नगर पालिका परिषद और इस ग्राउंड का, मेरे कोचेस का, परमात्मा का, रब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में आके इंटरनेशनल नेशनल में मेडल इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में और इंटरनेशनल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में और मेहनत करूँ। और हमारा समर कैंप एक महीने का था, इसमें 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मेरे पास रेगुलर 60 बच्चे अभी भी हैं जामुल नगर पालिका में। और हमारे बीच में दो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, दिव्या कुमारी, मुर्तुजा अली। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नगर पालिका की तरफ से हमें प्रोवाइड हुआ, जैसे कि ईश्वर ठाकुर जी ने हमें 50,000 रुपये की घोषणा की है अपने निधि से, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने एनी टाइम जूडो एकेडमी के विस्तार एवं खेल को सामग्री क्रय करने हेतु 50,000 रुपए अनुदान की घोषणा की गई, जिससे कुछ सुविधाएं और बढ़ाई जा सके और खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण के साथ बेहतर संसाधनों के जरिए इस तरह तराशा जाए कि वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जामुल सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जिले के प्रतिष्ठित SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली की चिकित्सा की व्यवस्था काफी बेहतर व सुदृढ़ है। बीते माह एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए गंभीर स्थिति में SR हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अस्पताल प्रबंधन ने इस नाजुक मामले में नवजात बच्चों का सफलतापूर्वक उपचार कर जच्चा बच्चा को नया जीवन दिया। महिला के परिजनों ने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन का आभार जताया। वही SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन व शिशु रोग विशेषज्ञ ने मामले की जानकारी इस प्रकार से दी। गौरतलब है कि बीते मई माह में पाटन के ग्रामीण क्षेत्र फुंडा से एक गर्भवती महिला जो कि काफी नाजुक स्थिति में थी, उसे SR हॉस्पिटल में लाया गया। इस क्रिटिकल केस में महिला का सकुशल प्रसव कराया गया। महिला ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मात्र 940 ग्राम वजनी कमजोर नवजात की देखरेख व उपचार शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसरवानी व उनकी टीम की निगरानी में NICU में की गई। पूरे 32 दिनों के बाद अब बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है व सकुशल है। इस उपलब्धि के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ व हॉस्पिटल के चेयरमैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली जी। 14 मई 2022 को SR हॉस्पिटल में अन्नपूर्णा जो मरीज है, गर्भवती महिला ने दो बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चे हुए। उसमें बच्चों का वजन जो था दोनों का 1000 ग्राम से कम था, 950 ग्राम के आसपास दोनों बच्चों का वजन था और बच्चे बहुत ही गंभीर अवस्था में थे, जिसमें से आज एक बच्चे की हम छुट्टी कर रहे हैं। डॉक्टर SP केसरवानी सर, बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ, NICU की डॉक्टरों की टीम, सबके संयुक्त प्रयास से एक बच्चे को सकुशल ठीक किया गया। अभी बच्चे का वजन 1300 ग्राम से ज़्यादा है, अभी बच्चा कुशल है। यह जो अन्नपूर्णा है, इसका जो निवास है वह पाटन क्षेत्र के आसपास का है, पाटन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें जो बच्चे के परिजन थे काफ़ी निराश हो चुके थे, लगभग 32-33 दिनों का समय लगा बच्चे को ठीक होने में। इस केस में हमारे डॉक्टरों ने, हमारी टीम ने बहुत ही अथक प्रयास किया इलाज के लिए, किंतु परिवार वालों को मानसिक रूप से जो संबल देने का भी प्रयास हमारी टीम ने किया, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ SR हॉस्पिटल के डॉक्टरों, के नर्सिंग स्टाफ, NICU की टीम को, जिन्होंने माता पिता के ढाढ़स को बांधा। और आपके चैनल के माध्यम से
मैं यह क्षेत्र की जनता को बताना चाहूँगा कि एसआर हॉस्पिटल क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ एनआईसीयू में वेंटिलेटर, बच्चों के वेंटिलेटर, बच्चों के सीपैप की सुविधा उपलब्ध है। इस मरीज का इलाज आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत किया गया है। साथ ही क्षेत्र की जनता से यह भी विनम्र अपील करना चाहूँगा कि कोविड का संक्रमण पूरे देश में, प्रदेश में पुनः बढ़ते जा रहा है। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और साथ ही किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पे आसपास के अस्पताल में जाए, डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी के सरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हूँ। मैं विगत दिनों हमारे एनआईसीयू में एक जुड़वा बच्चा, जो बच्चा भर्ती था, उसको हमने 940 ग्राम में भर्ती किया था और 32 दिन सतत उपचार के बाद आयुष्मान योजना से उसका उपचार हुआ है। 32 दिन सतत उपचार के बाद पश्चात आज उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ करके हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बच्चा 1300 ग्राम का है, बच्चा एक्टिव है और माँ का दूध खींच रहा है और बच्चे का वजन बढ़ना प्रारंभ हो गया है। विस्तार से मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि 14 मई को हमने एक लेडी जो फुंडा पाटन से आई थी, नाम अन्नपूर्णा था, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ लाई गई थी। उसका गर्भावस्था में 28 हफ्ते से कम का गर्भावस्था था और क्रिटिकल कंडीशन ऐसी थी कि उसके जो गर्भ का जो झिल्ली था वो फट गया था, तो उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड जो लीक हो रहा था, बच्चे के गर्भाशय से पानी बारा लगातार बहने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से दो जो जुड़वा बच्चे जो उसके घर में पल रहे थे बहुत रिस्क था। तो आनंद फानंद में हमें सीजर ऑपरेशन का निर्णय लेना पड़ा। सीजर सफलतापूर्वक सीजर ऑपरेशन करने के पश्चात जुड़वा बच्चे पैदा हुए, पर दोनों बच्चे जो थे वो 1000 ग्राम से कम थे। मतलब मार करने वाली बात ये थी कि 1000 ग्राम से बच्चे कम थे। एक बच्चे का वजन 940 था ग्राम था और एक बच्चे का वजन 960 ग्राम था। 10 दिन के अथक प्रयासों के बाद बच्चे थोड़ा सा सेटल हुए। उसके बाद 10 दिन बाद हमने इनकी आरटी फिटिंग स्टार्ट की और करीब लगभग 20 दिन बाद हमने इनको ओरल फिटिंग स्टार्ट की और 25 दिन बाद बच्चा इतना सक्षम हो गया सतत उपचार से कि वो माँ का दूध खींचना धीरे धीरे प्रारंभ किया। तो कंगारू मदर केयर और माँ के दूध ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का हमने मतलब फिर वजन बढ़ना चालू हुआ, धीरे धीरे बच्चा एक्टिव हुआ। आज 32 दिनों बाद बच्चों को लगभग हम स्वस्थ करके, पूर्ण रूप से स्वस्थ करके उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। यह जो है हमारे जो एसआर हॉस्पिटल का जो एनआईसीयू है, इसमें हमारे आधुनिक उपकरण हैं, वेंटिलेटर है, सीपैप मशीन है और अन्य आधुनिक इक्विपमेंट की सुविधा है, इसकी वजह से और हमारे कुशल स्टाफ एवं कुशल डेडिकेटेड ड्यूटी डॉक्टर्स की सतत प्रयासों से बच्चे को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। बच्चे का संपूर्ण इलाज हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया है। यह हम आपको बता दें कि अपनी बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था व प्रणाली के लिए जाना पहचाने जाने वाला एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में काफी बेहतर अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं। बच्चों के लिए वेंटिलेटर प्लस सीपैप की सुविधा, एनआईसीयू की सुविधा, आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा, वहीं एनआईसीयू में नवजात शिशुओं के लिए ट्रेसरी लेवल का केयर प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों की वैक्सीनेशन की भी सुविधा अस्पताल प्रबंधन ने उपलब्ध कराई है। बहरहाल पूरे 32 दिनों के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पूरी तरह स्वस्थ जच्चा बच्चा के लिए परिजनों ने एसआर अस्पताल का आभार दिल से जताया है। सर, मैं यार डिलीवरी के लिए आई थी, मेरा अचानक दर्द शुरू हो गया। हाँ, डिलीवरी होने के लिए आई थी, बस जुड़वा बच्चे थे। पहले हम लोग फुंडा से पाटन गए थे, पाटन से फिर दुर्ग पर गए, दुर्ग से फिर मेका एयर कर रहे थे, तो फिर अचानक बीच में दर्द ज़्यादा शुरू हुआ, सह नहीं कर पाए, तो यहाँ लाए ऐसा हॉस्पिटल। समय से पहले आए थे, 7 महीने। सर मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुआ, पर बच्चे ठीक है और एक अभी तो नहीं है, स्वस्थ है, ठीक है। आप मिले बच्चे से? रोज मिलती हूँ सर उससे। ठीक, बच्चा ठीक है, नॉर्मल, अच्छा रिस्पॉन्स, फीडिंग करा रही हूँ सर। ठीक रहा सर, डॉक्टरों का सहयोग मिलेंगे, सब ठीक रहा सर, अच्छे तरह से संतुष्ट हूँ सर। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी इसमें,
तो आप मेकाहारा में जाके यहाँ आ गए। तो यहाँ पर वो तो मेकाहारा में आपका सरकारी खर्चे में इलाज होता, तो यहाँ आपका कोई पैसा लगा या आयुष्मान? आयुष्मान के थ्रू आपका आयुष्मान कार्ड के कारण ऐसा बोलिए आप कि आयुष्मान कार्ड के से मेरा इलाज पूरा इलाज उससे हुआ। आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, संतुष्ट हूँ। सर किस तुम्हारी सर पूरा इलाज किया है, उसकी कोई नाराज नहीं है, मैं बड़े सर से भी कोई नाराज नहीं मेरे को। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा मानव तस्करी विशेषकर महिलाओं के मानव तस्करी रोकथाम तथा पीड़ितों के पुनर्वास विषय पर परिचर्चा की गई, जिसमें एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने दुर्ग जिला जनपद सभागार में बैठक आयोजित की, साथ ही परिचर्चा भी की, जिसे मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुनर्वास विषय पर जिला दुर्ग में एक कार्यशाला आयोजित किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के जिला संरक्षण अधिकारी, नवाब विहान के अधिकारी, मानव तस्करी रोकथाम पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तथा जिले के पुलिस विभाग के जवाबदार अधिकारी शामिल हुए। साथ ही इस कार्यशाला में आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, पलायन एवं अन्य नवीन परिदृश्य में मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं की मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुनर्वास विषय पर परिचर्चा की गई। एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर यहां पर विचार विमर्श भी किया गया। मौजूदा कानून तथा नए लागू हुए कानून के क्रियान्वयन एवं प्रभाव तथा आवश्यक संशोधन पर भी परिचर्चा यहां पर की गई एवं कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य में मानव व्यापार, विशेषकर महिलाओं के अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
आगामी बरसात को देखते हुए निगम द्वारा पुलगांव नाला में बहकर आने वाले जलकुंभियों से इंटकवेल में न फंसने दिए जाने को लेकर पुलगांव नाले में डायवर्सन बनाया गया, जिससे पेयजल सप्लाई में किसी किस्म की परेशानी न हो, इसको लेकर निगम आयुक्त ने अपनी तैयारियां कर अधिकारियों को निर्देशित किया है। मानसून की दस्तक के साथ ही आगामी दिनों बरसात के मौसम में चारों तरफ से बहकर आने वाले जल कुंभियों को बड़ी मात्रा में बहकर आना होता है, जिसके चलते पुलगांव नाला से बहकर ये जलकुंभी शिवनाथ नदी में जा मिलती है, जिससे नदी में लगे इंटक वेल पर पानी सप्लाई के दौरान जलकुंभी इंटक वेल में जा फंसती है, जिससे पानी सप्लाई काफी प्रभावित होती दिखाई पड़ती है और साथ ही शहर के लोगों को पेयजल की असुविधा से गुजरना पड़ता है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने आगामी बारिश के पूर्व पुलगांव नाला में डायवर्सन बनाकर बहकर आने वाली जलकुंभियों को रोकने तैयारी कर रखी है, जिसके बाद निगम कर्मचारियों द्वारा डायवर्सन के पास से जलकुंभियों को पानी से अलग कर दिया जाएगा, जिससे नदी में सिर्फ पानी ही पहुंच सकेगा और इंटकवेल से पानी सप्लाई में किसी किस्म की दिक्कतें नहीं आ पाएगी। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो गंजपारा नाला, मतलब पुलगांव नाला की बात कर रहे हैं, पुलगांव नाला में हम एक डाइवर्सन, अभी पुलगांव डाइवर्सन एक बन रहा है। वो डाइवर्सन जैसे पहले गंदा पानी मिलता जाता था डायरेक्टली नदी में जाता था और फिर वो उसके कारण से वो पानी मतलब गंदा भी होता था और इंटेक वेल भी वहीं पास में लगा हुआ है, तो इसको देखते हुए पुलगांव का जो नाला है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। तो जहाँ पर डाइवर्ट होगा, जहाँ से होगा वहाँ पास जितने भी जलकुंभी वहाँ की इकट्ठा हो जाएगा, उसको फिर वहाँ से हम फिल्टर करके हम उसको वहाँ बस निकाल देंगे, तो वो एक प्रकार से नदी में जाने से बच जाएगा। तो हमने ये तरीका अपनाया हुआ है और उसका रेगुलर हम सफाई भी कर रहे हैं, और अभी जब बारिश का मौसम जब आएगा तो उस समय फिर वो इजीली उसका सफाई हो सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गुरुवार को भिलाई के चौक चौराहों पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसमें एनसीसी के कैडेट्स ट्रैफिक के जवानों के साथ मिलकर मुख्य मार्गों पर आवाजाही कर रहे वाहन चालकों को यातायात के नियमों के पालन करने के लिए जागरूक करते नजर आ रहे थे। एनसीसी कैडेट्स को उनके कमांडेंट द्वारा सभी विधाओं में निपुण करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्य को समझने और करने का मौका दिया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को एनसीसी के कैडेट्स दुर्ग जिला यातायात विभाग के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यातायात व्यवस्था को संभालते और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते नजर आए। ये कैडेट्स बुजुर्ग लोगों को रास्ता पार कराते भी दिखाई दिए और हाथों में तख्तियां लेकर आम जनमानस को यातायात नियमों के पालन करने के लिए जागरूक भी करते नजर आए। यातायात विभाग के ASI हुकुम सिंह ठाकुर अपने सहयोगियों के साथ इन एनसीसी के कैडेट्स को भी मार्गदर्शन दे रहे थे कि किस तरह से यातायात व्यवस्था को बहाल किया जाता है और यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों को समझाइश दी जाती है। ASI हुकुम सिंह ठाकुर ने बताया कि एनसीसी के कमांडेंट की तरफ से आग्रह किया गया था कि एनसीसी के कैडेट्स को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने मार्गदर्शन दिया जाए, जिसके फलस्वरूप गुरुवार को एनसीसी कैडेट्स को यातायात विभाग के जवानों के साथ खड़ा किया गया। मैं हूं ASI हुकुम सिंह ठाकुर, यातायात सुपेला आकाशगंगा जोन से। आज अभियान चल रहा है कि एनसीसी के छात्र द्वारा हमारे कार्यालय से संपर्क किए, जिनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनके माध्यम से आम जनता को जागरूकता दिया जा रहा है कि भी बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं, तीन सवारी वाहन ना चलाएं, नशा के हालत में गाड़ी ना चलाएं, इसके संबंध में उनके द्वारा जागरूकता बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूकता दिया जा रहा है। दुर्ग पुलिस के यातायात विभाग के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बखूबी यातायात व्यवस्था को सुधारने में एनसीसी कैडेट्स ने अपना सहयोग दिया और जाना कि किस प्रकार यातायात विभाग के जवान कड़ी मशक्कत कर जिले सहित प्रदेश की यातायात व्यवस्था को बखूबी संभालते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने भिलाई 3 के स्वामी आत्मानंद जनता उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सूरत और सेहत बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के अनुरूप इस स्कूल के भवन और परिसर को आकर्षक बनाया जाएगा। महापौर ने छात्र छात्राओं से प्रतिदिन क्लासरूम में एक दीपक जलाने की अपील करते हुए बैठक व्यवस्था के लिए फर्नीचर क्रय करने अपनी निधि से 2,00,000 रुपए देने की घोषणा की। महापौर निर्मल कोसरे ने ये बातें स्वामी आत्मानंद जनता उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित प्रवेश उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए
शिक्षा के क्षेत्र में भिलाई चिरौदा नगर निगम क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप स्कूल में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। महापौर ने सभी बच्चों को चॉकलेट से मुंह मीठा कराया और शासन से प्राप्त पाठ्य पुस्तक का वितरण भी किया। मैं सबसे पहले तो आज प्रवेश उत्सव है और स्वामी आत्मानंद स्कूल जो छत्तीसगढ़ में एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में योजना के रूप में चल रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रवेश उत्सव है, नव प्रवेशी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। निश्चित रूप से एक समय था जब शासकीय स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, उनके गार्जियन स्कूलों में नहीं भेजते थे, लेकिन आज स्वामी आत्मानंद स्कूल में आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 171 स्कूल जहां संचालित है, बच्चों को प्रवेश लेने के लिए उनके पालक चाहे वो बीपीएल श्रेणी के हो चाहे एपीएल श्रेणी के हो, सारे लोग अपने बच्चों का प्रवेश स्वामी आत्मानंद स्कूल में कराना चाह रहे हैं। प्रथम दिन है, आज से बच्चों का स्कूल प्रारंभ होगा। कोरोना काल के बाद 2 वर्षों के बाद स्कूल संचालित नहीं हो पा रहा था, लेकिन अलग माहौल स्वामी आत्मानंद स्कूलों में देखने मिल रहा है। कोरोना काल के बाद आज स्कूल का प्रथम दिवस है। कुछ समस्याएं जो है, छोटी छोटी समस्याएं, चूँकि अभी पहले 40 बच्चे यहां पर अध्ययनरत थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी छत्तीसगढ़ में स्कूलों में 10-10 सीट और बढ़ाया, तो 50-50 बच्चे यहां एडमिशन ले चुके हैं। आज हमारी स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल भिलाई 3 में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया और हमारे आज इस शाला प्रवेश उत्सव में हमारे माननीय महापौर जी भिलाई चरोदा श्री निर्मल कोसरे जी हमारे बीच उपस्थित रहे, साथ में हमारे भिलाई चरोदा नगर निगम के कमिश्नर सर श्री राठौर सर और हमारे वार्ड पार्षद मैडम भलावी जी और हमारे एसएमडीसी के अध्यक्ष लोहाना जी और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज मडेरा जी, सब इन सब की उपस्थिति में और बच्चों के साथ हम लोगों ने शाला प्रवेश उत्सव मनाया। पहली के बच्चे जो बहुत साल के बाद 2 साल के बाद पहली बार हम लोग यहाँ आज यहाँ शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ बच्चे आज यहाँ पर आए, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, उनको किताबें बांटी और बहुत खुश थे बच्चे लोग। और हम पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण स्कूल में कोई गतिविधि नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हम पूरी उम्मीद करते हैं और बहुत उत्साहित हैं कि इस साल हमारे शाला में इस साल शाला लगने में कोई बाधा नहीं रहेगी। इस अवसर पर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, प्राचार्य मीरा अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं व पालकगण शामिल रहे। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। चरोदा में धारदार तलवार लहराकर लोगों को डरा धमका रहे आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि गुरुवार को जीआरपी चौकी चरोदा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जोन 1 बीएमवाई चरोदा चौक के पास एक युवक धारदार तलवार लहराकर मोहल्ले वासियों एवं आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है, जिसे वहां के लोगों में काफी आक्रोश है। सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी बीसाई राव प्रगति नगर चरोदा निवासी को पकड़ लिया, साथ ही उसके कब्जे से एक लोहे का धारदार तलवार भी जब्त किया। पुलिस द्वारा आरोपी पर धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है, साथ ही जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। महासमुंद जिला प्रशासन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से जिला शतरंज संघ महासमुंद द्वारा पहली बार ऑल इंडिया फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया। 11 जून से 15 जून तक इसका आयोजन किया गया, जिसका समापन 15 जून को हुआ। इस टूर्नामेंट में 10 राज्यों के 250 खिलाड़ी शामिल हुए। बिहार के कुमार गौरव ने 8 अंक की बढ़त के साथ टूर्नामेंट अपने नाम किया। वहीं पश्चिम बंगाल की स्नेहा हल्दर दूसरे और बिहार के ही किशन कुमार तीसरे स्थान पर रहे। शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया, कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, डीएफओ सीईओ ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया है। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों ने इस टूर्नामेंट को करियर के लिए बेहतर बताया। महासमुंद कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में छत्तीसगढ़ चेस में अपना एक नया आयाम खड़ा करने वाली है। आने वाले समय में महासमुंद के खिलाड़ियों को वीकेंड में प्रशिक्षण के साथ जिले में फेडरेशन के सहयोग से चेसिंग स्कूल का भी चयन किया जाएगा।
वहीं शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया ने बताया कि चेस बच्चों के भविष्य के रूप में कारगर साबित होगा। इसे खेलने से एकाग्रता और धैर्य मिलती है जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पहले यह टूर्नामेंट बहुत कम होता था, मुझे आइडिया नहीं था ये टूर्नामेंट का। यहाँ के लोकल प्लेयर हैं, उन्होंने मुझे बताया तो मैं यहाँ पे आया। सब अरेंजमेंट अच्छा था, टूर्नामेंट अच्छा हुआ और मैं चैंपियन बना। मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा ये टूर्नामेंट, पर ठीक था, सब कुछ अच्छा था यहाँ पे, अरेंजमेंट वगैरह, खाना पीना सब, टूर्नामेंट हॉल भी सही था। बाकी खिलाड़ी कैसे खेल रहे थे? काफ़ी सारे स्टेट से प्लेयर आए थे, जैसे मैं बिहार से हूँ, कोई छत्तीसगढ़ से थे, उड़ीसा के थे, झारखंड के थे। क्योंकि आप नेशनल प्लेयर हैं तो आपको देख के क्या लग रहा था कि बाकी लोग जो है वो किस टाइप के खेल खेल रहे हैं? एक्चुअली चेस में रेटिंग के अनुसार होता है, जिसका रेटिंग हाई होता है वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। जैसे कि मेरा रेटिंग 2.0 है, सब लोअर वाले थे, जैसे 1.7, 1.8 ऐसा कुछ था। इंटरनेशनल रेटिंग होता है इसमें, तो उस हिसाब से सब खेलते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, यहाँ पे नए प्लेयर्स इसमें जुड़ेंगे चेस में, तो और अच्छा होगा। 12 राज्यों से खिलाड़ी आए थे, उनके साथ खेलने में मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों से मैं जीती, कुछ लोगों से हारी, कुछ लोगों से मैचेस ड्रॉ हुए, और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि कहाँ कहाँ पे मेरी गलती हुई और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये सब जान के बहुत अच्छा लगा। ये रेटेड टूर्नामेंट था, तो चेस में रेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक प्लेयर कितना अच्छा खेलता है ये उसकी रेटिंग से ही पता चलता है, तो आप जितने ज़्यादा रेटेड प्लेयर्स से जीतेंगे उतनी आपकी रेटिंग इंक्रीज़ होती है, जिससे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। इसमें जो महासमुंद ट्रॉफी फिडे रैंकिंग कॉम्पिटिशन, महासमुंद जिला प्रशासन, स्टेट चेस फेडरेशन, जिला चेस फेडरेशन तथा जिला प्रशासन द्वारा जो आयोजित किया गया था, उसका आज समापन रहा। लगभग 10 राज्यों से और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। 240 से ऊपर प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इसमें दो तरह के टूर्नामेंट एक साथ ही हुए थे, पहले क्लासिकल जो होता है उसके 9 मैचेस, और कल शाम को जो ब्लिट्ज करके कहते हैं कि 3 मिनट्स के चेस के कॉम्पिटिशन रहते, इस तरह के 7 मैचेस, इस तरह के 2 कंपटीशन किए गए और बहुत प्रतिभागियों ने अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया। चेस बच्चों के भविष्य के रूप में काफी कारगर होने वाला है और चेस का प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रमोशन कर रहे हैं, पूरे जिले में इसकी टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं, और चेस खेलने से बच्चों को एकाग्रता और अपना धैर्य की ट्रेनिंग मिलती है, जो अपने जीवन में आगे चल के वो हर परिस्थिति में उसको अपना सकते हैं। अभी हम लोग, जैसा कि आपको पहले से जानकारी होगी कि हमने, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जिसने चेस इन स्कूल चालू किया है। बस्तर में कुछ स्कूलों में चालू हो गया, बालोद में चालू हो गया, जैसा कि अभी महासमुंद कलेक्टर महोदय ने बताया कि यहाँ भी चेस इन स्कूल चालू किया जा रहा है। देश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केश चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। नेशनल हेराल्ड केस में जो राहुल गांधी जी को बुलाया गया है अभी ईडी के द्वारा, ईडी कौन है? तो ईडी इकोनॉमिक के जो जितने भी केसेस होते हैं, जो आय से अधिक संपत्ति के केसेस होते हैं और जिसमें पैसों का लेन देन बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो उसको वो सॉल्व करते हैं। अब होता क्या है कि उनको बुलाया गया, अब ये क्यों है? नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो 1938 में नेहरू जी ने चालू किया था, 5000 क्रांतिकारियों को उसमें बनाया गया था शेयर होल्डर, जो कि घट के 1067 बनाई गई थी। अब उसमें बहुत सारी संपत्ति उस अखबार के नाम से ले ली जाती है और ज्वाइन किया जाता है, लगभग 2000 की संपत्ति, 2000 करोड़ की अधिक से संपत्ति ले ली जाती है, मुंबई, कलकत्ता, उज्जैन, लखनऊ और दूसरी जगह इंदौर में ली जाती है, तो ये सब लिया जाता है। अब सन 2000 में बोला जाता है कि ये कंपनी तो 90 करोड़ रुपए के घाटे में है। अब एक संपत्ति उसको बेच के 90 करोड़ रुपए पूरा कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, अपनी ये पूरी संपत्ति हथियाने के लिए ये क्या करते हैं कि एक दूसरी कंपनी को
ये करार करते हुए बेच देते हैं कि आप ये 90 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो देनदारी जो है वो दूसरों को दोगे और हम ये कंपनी आपको दे देंगे। अब पहले शेयर होल्डर कौन थे? तो इसमें शेयर होल्डर थे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, और दूसरी जो कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड जो लेने वाली है उसमें शेयर होल्डर कौन है? तो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, मोतीलाल वोरा जी हैं और ऑस्कर फर्नांडिस जी। मतलब बेच भी ये वही रहे हैं और खरीद भी वही रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, और क्या सुप्रीम अथॉरिटी है ईडी, उसके ऊपर कोर्ट नहीं है? अगर आप सही हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगर आप सही हैं तो आप वहां से छूट जाएंगे, बात खत्म। आप अपने कोर्ट, आप अपने पेपर पेश करिए, और 3 दिन जो लग रहा है उसमें वो 3 दिन ईडी के कारण ही लग रहा है, वो राहुल गांधी जी के कारण लग रहा है। वो हर बयान लिखवा रहे हैं, और राहुल गांधी जी को हम सब जानते हैं कि लिखना उतने अच्छे से नहीं आता है, वो हिंदी भी अच्छे से नहीं लिख सकते हैं, वो इंग्लिश भी अच्छे से नहीं लिख सकते, इस वजह से वो लेट हो रहा है। और राहुल गांधी जी खुद सोचते हैं कि मैं कल बताऊंगा, या ये वाला सोचा नहीं है, उनको सब पढ़ाया लिखाया गया है और उसके बाद उनको बोला गया है कि ये आपको क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर आपको ऐसा देना है। लेकिन कई कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सिलेबस के बाहर है, तो उसमें वो राहुल गांधी जी चकरा जाते हैं। इस वजह से डिले हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के 38% जो है शेयर, जो यंग इंडिया कंपनी के लिमिटेड है उसमें 38% शेयर है, ये मालिक है, उन्हें ये बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपने ये पैसा कहाँ से लाया और ये आपने कैसे किया। वो सभी चीज़ें जब स्पष्ट कर देंगे तो वो छूट जाएंगे और वो कर्ज भी माफ़ कर दिया जाता है। और उसके बाद अब ये जो वित्तीय जो लेन देन है, इतना बड़ा हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने हथिया ली, जो कि अखबार को दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट को अखबार जब बंद हो गया तो गवर्नमेंट को वापस दे देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो हथिया ली गई, अब हथिया ली गई। तो इसके लिए तलब किया गया ईडी के द्वारा। अब ये ईडी में के पास जाते हैं और सत्यमेव जयते का इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगाते हैं। हाँ, सत्यमेव जयते है, कौन बोल रहा है, सदियों से था, है और रहेगा। सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव हारते तो है ही नहीं। अब जो जब वो जाते हैं अंदर, तो वहाँ पर जाके ऐठन दिखाते हैं, बोलते हैं बाहर का जो तापमान है बहुत गर्म है और आप मेरे से ठीक से पेश आए, तो ठीक से ही पेश आ रहे हैं सब लोग। अब ईडी ने, और बाहर जो इनके जो चेले चपाते हैं और जो उनके तथाकथित जो अनुयायी हैं, वो बोलते हैं कि मोदी जी के द्वारा किया गया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे, क्या मोदी जी ईडी को पेंडल कर रहे हैं? क्या आप जज के सामने ये खड़े होकर बोल सकते हैं? अभी ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी बाकी के कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ईडी का मामला इसमें लगवा दिया राहुल गांधी जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या आप जब जज के सामने खड़े होंगे? इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।